नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोविड मैनेजमेंट गाइड। जी हां, इस समय देश में कोरोना की जो हालत है, लोग जिस तरह से बीमार पड़ रहे हैं और बीमार पड़ने के बाद जिस तरह का पैनिक फैल रहा है, या तो ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कई बार रेमडेसिविर के इंजेक्शन को मिलने में इशू है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन इसलिए भी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना की किस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, कब आपको होम आइसोलेशन में रहना चाहिए, कब तक आप घर पर ही रह के अपना इलाज कर सकते हैं, इलाज में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी दवाइयाँ ली जा सकती है अगर आपका किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं हो रहा है, कब आपको हॉस्पिटलाइज हो रहा है, हॉस्पिटल में भी जाने के बाद आपको किस श्रेणी में, क्या आपको सीधे आईसीयू में भर्ती हो जाना है। तो ये तमाम गाइडलाइंस आई हैं एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आईसीएमआर की तरफ से। जाहिर तौर पे दो सबसे बड़े संस्थान भारत के अगर कोई गाइडलाइन दे रहे हैं तो वो विश्वसनीय होगी, लेकिन इन गाइडलाइंस को समझने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो उसमें आपको सीधे तौर पर समझ में, कि कोविड जो है माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर कैटेगरी में माना जाता है। हम सबको ये समझना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन माइल्ड से ही गुजर कर निकल जाएंगे। सो अगर एक कोविड की डायग्नोसिस होती है, पैनिक नहीं करना है। और माइल्ड क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपका सवाल है। माइल्ड वो होता है जिसमें कि हमें मालूम पड़ गया है कि हम कोविड से ग्रस्त हैं, इन्फेक्शन आया है, हमारा जो RT-PCR आया है वो पॉजिटिव आया है। माइल्ड इन्फेक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें कि मरीज को बॉडी में थकावट महसूस होती है, गला खराब हो सकता है और फीवर आ सकता है और हेडेक हो। और हम जब सैचुरेशन घर पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैचुरेशन को हम मानते हैं, एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। हम ऑक्सीमीटर से जब नापते हैं, हमारी जो सैचुरेशन है 94 से ज्यादा है। ये याद रखना है कि हमारी अगर सैचुरेशन रूम एयर पे, जैसे हम अभी बैठे हैं, 93 से 94 है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अक्सर देखा गया है पेशेंट्स चाहते हैं कि वो 97-98 तक लेकर जाना चाह रहे हैं। देयर इज नो पैनिक। अगर आपकी रूम एयर पे सैचुरेशन 94% है, आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल फीवर है, रेस्पिरेटरी रेट आपका बिल्कुल सही है, उसे हम माइल्ड डिजीज बोलते हैं। इसको फर्दर श्योर होने के लिए, अगर आपका फीवर चलता रहता है 3 से 4 दिन तक, तब हम कुछ एक सेट ऑफ ब्लड टेस्ट्स करते हैं। वो ब्लड टेस्ट फर्दर हमें बताते हैं कि हमें माइल्ड डिजीज है, वी शुड नॉट पैनिक, ये जो इतनी दवाइयां हैं हमें कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लूइड हाइड्रेशन, मतलब हम अच्छे फ्लूइड्स पिए, हम अपने फीवर को कम रखें विद द हेल्प ऑफ पैरासिटामोल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम रेस्ट ले विद आइसोलेशन एंड क्वारंटीनिंग क्वाइटली एट आवर होम्स, बट एक डॉक्टर के साथ आप कॉन्टेक्ट में जरूर रहें। राइट, तो मैम आप कह रहे हैं कि डॉक्टर के कांटेक्ट में ज़रूर रहें। आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाते या डॉक्टर से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। हम दोनों तरफ से कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो फिर इन गाइडलाइंस में जो छोटी मोटी दवाएं प्रिस्क्राइब की गई हैं, जो थोड़े से SOPs प्रिस्क्राइब किए गए हैं, क्या उसको फॉलो किया जा सकता है खुद से? श्योर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया कि अगर आपको फीवर है और आप देख रहे हैं कि आपका फीवर 100 से ज़्यादा चल रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें। दूसरी बात, पैरासिटामोल की गोली आप खा सकते हैं। कोशिश करिए कि और कोई फैंसी दवाइयाँ ना खाएं, सिर्फ क्रोसिन की गोली खाएं। ये देखा गया है कि एक इनटेक ऑफ जिंक, जिसको हम कहते हैं, कई प्रकार की आती है, तो जिंक की जो गोली है 50 मिलीग्राम की अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो हमारे सेल पे वायरस को एंटर नहीं करने देती। विटामिन सी को माना गया है कि बेहतर है अगर आप ले सकें। तो ये सिंपल दवाइयां हैं और यही तक एक कॉमन पब्लिक को समझना चाहिए कि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं। इसके बियॉन्ड आगे दवाएं अपने आप बिल्कुल सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें, जो डॉक्टर की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। जी, यहाँ पर इनवरमैक्टिन मैडम और साथ में SGQ, इन दो दवाओं का भी नाम दिया है, क्या ये मन से ले सकते हैं या डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही? देखिए, पैरासिटामोल लीजिए, जिंक का गोली लीजिए और विटामिन सी का गोली लीजिए। मेन ये है, और अपनी सैचुरेशन को ठीक रखिए, अपना खान पान सही रखें। मेन हम यही अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप यही करें, और विटामिन डी ले सकते हैं। Right. विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन। जी ठीक है मैम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है
ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर के अंदर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, तीनों ही, चाहे आप माइल्ड में हो, चाहे मॉडरेट में हो, चाहे सीवियर में हो, एक चीज सबसे कॉमन है कि सबसे पहले आपको अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल देखना है। डॉक्टर मिकी मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मिकी मेहता, कोविड ना हो तो भी, और कोविड के साथ तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ऑक्सीजन लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस समय तो देश में एक ही वर्ड सबसे ज्यादा बज हो रहा है, वो है ऑक्सीजन। क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, हम अभी बाकी मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हम घर बैठे अपने ऑक्सीजन लेवल को, भले ही अभी हम स्वस्थ हैं या फिर हमें किसी तरह का कोई लक्षण है जो हम घर में ही रुक सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल लेवल पे, मॉडरेट लेवल पर है या बिल्कुल ही शुरुआती लक्षण है, अपने ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं या थोड़ा एनहांस कर सकते हैं? तो मैंने आज ही मेरे एक मॉर्निंग मैसेज में मेरे सोशल मीडिया पे लिखा कि कंज्यूम एंड ब्रीद इन अ लॉट ऑफ फ्री ऑक्सीजन टुडे सो दैट टुमारो यू डोंट हैव टू क्यू अप टू बाय इट। इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में जितना हो सके उतनी मात्र में ऑक्सीजन का इंटेक ले, ऊर्जा ले, प्राण ले, और अपने प्राणों को उत्तेजित करें, मजबूत करें, स्थिर करें, और हम इम्यूनिटी लेके आए। हमारे फेफड़ों में 5 लीटर की हवा, ऑक्सीजन हम भर सकते हैं। तो अगर हम रोज 5 लीटर हवा भर सकते हैं, बायोमैकेनिकली प्राणायाम करते हैं, तो हमारा डायफ्राम 12 से 13 सेंटीमीटर जब ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से ऊपर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर जाती है, ऑक्सीजन पूरा अंदर आता है, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, हमारे डीपेस्ट सेलुलर लेवल को ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। उससे आपको कभी भी ऑक्सीजन की तंगी नहीं होगी। ये ऑक्सीजन मुफ्त का है, ये लीजिए, योग में यही बताते हैं। दूसरी बात मल्टीविटामिन्स की, तो अनार एक ऐसी फ्रूट है जिसमें इतने सारे विटामिन्स हैं कि भल भली बीमारियां और पीड़ाओं का नष्ट कर सकते। तो आजकल मॉडर्न डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट और जितने भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, अनार के लिए, फ्रूट्स के लिए, जितने भी एंटासिड अल्कलाइन फ्रूट्स हैं उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मस्क मेलन, हनीड्यू मेलन, अपना ग्रेप फ्रूट और हमारा अनार, एक अनार एक अरब बीमार को ठीक कर सकते हैं। तो अनार एक ऐसी चीज है। योग निद्रा, आराम एक सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि आराम में सारा रिपेयर व दुरुस्ती होती है। तन की दुरुस्ती होती है, मन की दुरुस्ती होती है। तो तन की दुरुस्ती, मन की दुरुस्ती, तन दुरुस्ती आराम से होती है, और वो आराम जब आनंद में हो, रात की नींद, एक अच्छी योग निद्रा हो जिसमें आपको सुषुप्ति की नींद आए, तो आप 8:30-9 बजे में सो जाए, और 96 मिनट्स बिफोर सनराइज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, तो ऐसी ऊर्जा की उपलब्धि आपको होगी। सूर्य के किरणों के साथ सेरोटोनिन की रिलीज होगी, सूर्य की किरणों के साथ हैप्पीनेस, जॉय की रिलीज होगी, और ये सारी चीजें आपके एंडोक्राइन को इस तरह स्टिम्युलेट करती हैं कि हमारे बॉडी में इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, हमारे टी सेल्स, हमारे बी सेल्स बड़ी तादाद में जन्म लेते हैं। इंटरलिकन 2, इंटरफेरॉन्स, ये सारी चीजें प्राणायाम में और हास्य में और संगीत में निकलता है। जो एक एक वायल $5,000, कभी $10,000 की मिलती है, जो कैंसर को ठीक करती है, और वो हास्य से अपने आप अपने बॉडी में रिलीज होती है। तो ध्यान अगर करें, सिंपल ध्यान करें, तो सिकोड़ा हुआ बॉडी जी, जी, आराम से ठहर जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है, स्वयं में उपस्थित हो जाता है, जागृत हो जाता है, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना, तो वही भाव में हमारी इम्यूनिटी बहुत आसमान के चरण चढ़ती है। तो ये सारी चीजें, और जब भी हम चांटिंग करते हैं तो चांटिंग में हम जितने भी चांट्स बोलते हैं उसके टोनैलिटी, एक्सप्रेशन और उसकी आवाज से जो बिल्कुल अंदर पॉलीवेगस नर्व से निकलती है, जो हमारे नेवल के पीछे होती है और पीछे एओर्टा होता है, उसको वाइब्रेट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को वाइब्रेट करते हुए, एपिग्लोटिस को वाइब्रेट करते हुए एक वाणी बनती है, जिससे हमको वाक सिद्धि मिलती है, वचन सिद्धि मिलती है, और सारे कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। तो
ऐसी हम वाणी करें मंत्रों से जी, जिससे हम ऐसा कवच बांधे हमारे इर्द गिर्द हमारे गोल कि हमें कोई बीमारी कभी टच ना कर सके। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, ये मॉडर्न साइंस से वैलिडेट हो चुका है। बाबा रामदेव, फिर हमारे श्री श्री रविशंकर जी, फिर हमारे सदगुरु जी, माँ हंसा जी ऑफ योगा इंस्टीट्यूट, ये सारे लोग ने सिद्ध कर चुका है साइंटिफिकली कि हमारा जो योग है वो अति उत्तम है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर मिकी सर बता रहे हैं। देखिए दो तीन बातें तो मुझे समझ में आ गई जो सिंपल है। मैं आप जब बता रहे थे तो ऑनलाइन रेट ही देख रहा था अनार का कि आपके बोलते बोलते बढ़ तो नहीं गया, खैर मजाक की बात है। तो अनार आपको एक खाना है क्योंकि ये आपके लिए मल्टीविटामिन का काम करेगा। कुछ और फ्रूट्स के भी आपने नाम लिए, अनार मिले तो बेहतर है। आपको नींद अच्छी लेनी है, अब इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है या बहुत बड़ी वो चीज़। साइंस से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। सोते तो आप रोज है, थोड़ा टाइम टेबल बना के ढंग से सो लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही बूस्ट होगी बहुत बढ़िया तरीके से। और साथ में आपने कहा कि हल्का सा योग प्राणायाम जिसमें चैंटिंग अगर आप करते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को मदद मिलेगी। और ये सारी चीजें आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल को रिच करती हैं जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस पे और बातचीत होगी, आपसे हम कुछ योग टेक्निक भी सीखेंगे कि ब्रीदिंग कैसे करना है ऐसे समय पे। मैंने सुना है कुछ उल्टे लेट के ब्रीथ करते हैं और कुछ पोजीशंस बदल के ब्रीथ करते हैं तो उससे आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ये तो एलोपैथी मेडिकल साइंस में भी इन दिनों काफी सारे चार्ट्स बन के आ रहे हैं, वो आपसे पूछूंगा। लेकिन एक बार फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं। मैम अब मॉडरेट पे आते हैं, मॉडरेट के लिए जिन्हें मॉडरेट सिम्टम है उनके लिए गाइडलाइन क्या कहती है मैम? देखिए जो मॉडरेट सिम्टम्स जब हो जाते हैं मरीज को तो एक ऐसी सिचुएशन होती है दैट ही मस्ट फॉल बैक एक मेडिकल सिस्टम के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जब मॉडरेट सिम्टम आने से पहले हम जरूर चाहेंगे कि जो पहले डॉक्टर साहब ने बताया वो सारे हम योगा आसन करें ताकि हमारे लंग्स खुले रहें। अगर हम वो करेंगे तो कोशिश है कि हम मॉडरेट तक ना पहुंचे। मॉडरेट हम उसको कहते हैं कि पेशेंट का अगर बुखार नहीं टूटता, उसको तेज बुखार चलता रहता है 5 दिन के ऊपर भी। दूसरा